मेरा दो तीन लाख रुपए का लॉस हो चुका था और तो मेरा एक ही ड्रीम था यार कि उनको मतलब घूमे फिरे वो ऐश करे लाइक समथिंग लाइक दैट एंड नाउ आई एम मेकिंग क्लोज टू नाइन लाख रुपीज नाइन टेन लाख रुपीज़ पर मंथ बट उसमें मुझे ना एक लॉन्ग टर्म वो नहीं दिख रही थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी की अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय स्टोरी कि मैंने ट्रेडिंग कैसे शुरू करी क्या क्या स्टेप्स लिए कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई क्या क्या स्ट्रगल है बेसिकली टू बी एट अ पोजिशन वेयर आई एम राइट नाउ सब कुछ बताऊंगा कि शुरुआत में कैसा था क्या सोचा कैसे इम्प्लीमेंट करा एंड हाउ आई वॉज मेकिंग लाइक फाइव टू सिक्स थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ एंड नाउ आई एम मेकिंग क्लोज टू नाइन लाख रुपीज़ नाइन टेन लाख रुपीज़ पर मंथ थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो एवरी डिटेल ताकि अगर आप भी कॉन्टेंट क्रिएटर या फिर एक ट्रेडर बनना चाह रहे हो सो so, आप बन सकते हो सो so, अगर टाइम कम है आपके पास तो प्लीज़ सेव दिस वीडियो ताकि आप इसको बाद में देख लो सो so, एकदम हार्ट टू तो हार्ट बात करेंगे आई आई टेल यू एवरी थिंग जो भी मैंने करा टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स जो आई होप आप लोग भी अभी फेस कर रहे हो सो तो शुरू कर so, करते सो so बेसिकली मैं एक स्कूल में था एंड uh, क्या है मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वी हैव अ फैमिली बिजनेस बट मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि यार खुद का कुछ करना है सो so, मैंने सोचा कि यार मैं स्कूल में हूँ एंड uh, मैंने देखा कि यार मुझे कपड़े शूज़ वॉचेस इन सब का बहुत शौक है सो वॉट आई डिड मैंने एक दो वेंडर्स ढूंढे गुजरात के एंड मैंने अपने माइंड में सोचा कि यार अगर मैं पाँच सौ का प्रोडक्ट खरीदूँ और उसको सात में बेच दूँ तो मेरा दो का प्रॉफिट हो जाएगा एंड uh, अगर मैं दिन के दो प्रोडक्ट भी बेच लूँ तो चार सौ रुपये रोज़ के एंड एक महीने का मैं बारह हज़ार रुपये कमा लूँगा और एक स्टूडेंट के लिए बारह हज़ार रुपये इस लाइक बस इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं सो आई स्टार्टेड ए इंस्टाग्राम पेज एट दैट टाइम बिकॉज तब मेरे को क्या था कि यार ऑनलाइन कुछ करना है क्योंकि चॉप वॉप तो पापा अलाउ करेंगे नहीं वो कहेंगे तो कुछ दुकान चलानी है तो तुम तो मेरी दुकान पर आ जा समझ लो तो नहीं हो पाया सो आई आई मेड अ पेज मैंने शुरू करा आई वॉज मेकिंग मैंने सोचा तो था, था कि यार दिन के दो तो बिक ही जाएंगे बट नहीं बिकते थे एक भी नहीं बिकता था कभी कभी सो अप्रॉक्सीमेटली छः हजार रुपये मैंने देन वन डे क्या हुआ मी एंड माई फैमिली हम लोग मेरा एक कज़न है दूर के कजन है तो उनके घर गए सो ही वॉज डूइंग समथिंग ऑन द लैपटॉप तो मैंने पापा से पूछा पापा बट एक क्या कर रहे हैं पापा so, ने बोला लाइक ही ट्रेड इन क्रूड सो आई वॉज लाइक यार इनके पास सब कुछ है मतलब जो जो एक इंसान को चाहिए होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल कार है लग्जरी कार है एंड ऑल दैट थिंग सो आई थाट कि यार ये करना है फिर मैंने पूछा वापस में मैंने कहा यार क्या चीज़ है उन्होंने कहा कि इसको गुड ट्रेडिंग बोलते हैं तो तू दूसरी टचवुड uh, मेरे डैड ने मुझको हमेशा सपोर्ट करा उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ट्रेडिंग सट्टेबाजी है कुछ भी जैसा नॉर्मली होता है तो आई गॉट अ सपोर्ट फ्रॉम हिम सो उसके बाद क्या हुआ फिर देन आई started लर्निंग आई started रीडिंग बुक्स तो आई गेस मैंने सौ से ज़्यादा बुक पढ़ी होगी अब तक एंड क्या हुआ फिर मेरे को था कि यार ऐसे नहीं होगा सो so, किसी से पूछना पड़ेगा जो ऑलरेडी कर रहा है देन वाट आई डिट मैंने उनको कॉल किया भैया आप ट्रेडिंग करते हो तो मुझे कुछ बता दो कि मतलब बता दो कौन सा स्टॉक बाय करूँ या सेल करूँ जो सबके माइंड में आता है उन्होंने कहा कि यार मैं तो स्टॉक नहीं बताऊँगा बिकॉज लॉस हो जाएगा तो बंगा है राइट right? तो उन्होंने कहा बट मैं एक काम कर सकता हूँ मैं तेरे को सिखा सकता हूँ मैं तेरे को बता सकता हूँ कि किस तरीके से तू तो इस फील्ड में सीख सकता है so, सो क्या हुआ उन्होंने मुझको कहा कि तू मूविंग एवरेज के बारे में सीख एंड देन उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी सिखाई मूविंग एवरेज वगैरह की विच uh, ऑनेस्टली मैं अभी भी फॉलो करता हूँ नॉट एग्जैक्टली बट उसमें से कुछ मतलब अपनी नॉलेज को मिक्स करके अभी भी उसको फॉलो करता हूँ सो वहाँ से हुआ फिर मैंने उनको मूविंग एवरेज सीख के कॉल करा मैंने कहा अब क्या सीखूँ देनी सेट की ज्ञान एनालिसिस करके एक होता है तू उसको सीख सो so, मैंने बहुत कोशिश करी दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन लगा रहा लगा रहा मैं नहीं सीख पाया तो मैंने उनको कॉल करा मैं कहा कर, यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है तो मुझे लगा यार मैं तो ट्रेडर बन नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है देन उन्होंने मुझको कहा कि डोंट वरी तुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको छोड़ दे बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है तेरे को सब कुछ नहीं सीखना कोई एक या दो सीख ले जिसको तू रेगुलरली फॉलो कर सके और उस दिन से मेरी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई सो so, फिर मैं सीखता गया सीखता गया बुक्स पढ़ता गया जो समझ में आया उसको लिख लिया जो नहीं आया उसको हटा दिया सो so, मेरे नोट्स भी है जो मैंने उस टाइम पर बनाए थे आई शो यू अभी भी मैं मतलब ऐसा नहीं है मैंने उसको फेंक दिए सो so, अगर आप इसको देखो सो so, ये वो सारे मतलब नोट्स है जो बेसिकली उस टाइम पर भी बनाए सो so, मैं सीखता रहा ऐसे हल्के हल्के करके देन वॉट हैपन मैं ट्रेड लेना चालू करा सो so, जैसा सबके साथ होता है वैसे ही मेरे साथ हुआ मैंने ट्रेड लिया कुछ प्रॉफिट में गए कुछ लॉस में गए बट हमेशा क्या होता था ना कि जो मैं प्रॉफिट वाले ट्रेड थे वो मान लो सौ रुपये का प्रॉफिट हुआ बट लॉस मेरा पाँच सौ का और था और एक स्टूडेंट के लिए स्कूल स्टूडेंट के लिए पाँच सौ भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो so, अभी तो कुछ भी नहीं है बट उस टाइम इट वॉज़ टू मच तो पाँच सौ का लॉस होता था सौ का प्रॉफ़िट होता था उसमें से आप ब्रोकरेज भी चली जाती थी मान लो बीस बीस रुपये चालीस रुपये वहाँ चली गई तो उस टाइम ऐसा लगता था कि यार अपने से नहीं होगा ये बहुत मुश्किल काम है अपने से नहीं होगा सो so, ऐसा चलता रहा चलता रहा एक डेढ़ दो साल तक यही चलता रहा आई वॉज ट्राइंग प्रॉफिट लॉस तो मुझको लगा कि यार नहीं हो रहा फिर क्या हुआ देन मैंने YouTube बुक्स यही सब करा देन आई फाइंड आउट कि यार वी नीड टू हैव अ स्ट्रैटी ऐसे रैंडम ट्रेड से काम नहीं चलेगा क्या हो रहा था मैंने सीख्स को लिया था बट आई वॉज नॉट हैविंग अ स्ट्रैटजी ठीक है मतलब ऐसा नहीं था कि मैं एक चीज़ फिक्स फॉलो कर रहा हूँ आई वॉज डूंग एनी थिंग तो फिर उस पॉइंट से मैं आया कि यार भाई एक स्ट्रैटी होनी चाहिए तेरे पास अगर तुझे प्रॉफिटेबल होना फिर घूम फिर आकर मैंने एक दो स्ट्रैटी बनाई तो क्या हुआ फिर मैंने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा फॉलो करते करते मैंने कहीं पर सुना कि यार एल्गो ट्रेडिंग कुछ होता है इसमें ऑटोमेटिकली बाय सेल ऑर्डर लग जाते हैं फिर उसको भी सीखा कोडिंग सीखने की कोशिश करी मतलब जो जो आप सोच सकते हो मैंने सब कुछ करा हुआ है सब कुछ कोशिश करी हुई है ठीक है बट क्या हुआ वो भी काम नहीं आया ऑनेस्टली एल्गो ट्रेडिंग में क्या था मेरा लॉस होना बंद हो गया था बट आई वॉज नॉट प्रॉफिटेबल बिकॉज उसमें क्या होता था कि मेरी एक्यूरेसी कम थी स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा लग जाती थी सो so, इस तरीके से वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि यार अब कुछ चेंजेस हैं अब जी एस जो स्ट्रैटेजी है ये काम नहीं कर रही है एल्गो भी काम नहीं कर रहा है ब्रेकआउट पुल बैक कुछ नहीं चल रहा है फिर मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया मैं यार ये ब्रेकआउट जो है ना सबको आता है सारी बुक्स में ये पुल बैक वगैरह सब कुछ हर जगह अवेलेबल है तो अगर सबको आता है तो सब प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे हैं मतलब यू यू अंडरस्टैंड मान लो सौ लोगों ने ब्रेकआउट सीखा एंड वो सौ के सौ तो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं ना उसमें से एक या दो ही कर रहे हैं बाकी सारे तो लॉस कर रहे हैं सो देन आई वाज लाइक यार ब्रेकआउट में कुछ बात नहीं है जो प्रॉफिटेबल होने का सॉल्यूशन है ना वो एक्चुअली में कहीं और है देन आई ट्राई टू फिगर आउट कि वो कहाँ पर है देन आई रियलाइज कि यार वो चीज़ तो सब साइकोलॉजी है बिकॉज एट दैट टाइम मैंने एक बुक पढ़ी थी ट्रेडिंग इन द जोन ठीक है तो उस बुक में ये था कि जो आप ट्रेड्स लेते हो ना वो रैंडम है मतलब आप जितना मर्जी स्टडी कर लो आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज बना लो आप जितना मर्जी रिस्पायरमेंट कर लो जितना भी वो है ना वो सब रैंडम है मतलब अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो आपको नहीं पता वो प्रॉफिटेबल होने वाला है या नहीं बट अगर आप शॉट ट्रेड ले रहे हो और आपके पास एक स्ट्रैटेजी है और आप उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता है कि यार सॉट ट्रेड के बाद हम उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं अगर हम उस स्ट्रैटेजी से सॉट ट्रेड लेंगे तो वी आर गोइंग टू तो बी प्रॉफिटेबल ठीक है मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेड में कोई एज नहीं है बट अगर आप एक स्ट्रैटेजी को बार 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 रिपीट करो सो देर द एज ओवर देव ठीक है सो so, बहुत सारी प्रॉब्लम आई उसके अलावा मेरा हमेशा गोल था कि यार मुझे अपने पेरेंट्स को ना मतलब माय मॉम डैड लव टू ट्रैवल बट दे कांट व्हाई दे कांट बिकॉज माई डैडा शो सिड ऑन अ बिज़नेस और हमारा जो बिजनेस है बेसिकली इट्स अ जैसे होता है ना थ्री टायर सिटीज़ में कि भाई दुकान पर जाकर बैठना है गला संभालना है इन शॉर्ट सो इट्स लाइक दैट तो वो घूम नहीं पाते तो मुझे ताकि हमेशा कुछ ऐसा करना है कि पैसा भी आए और टाइम फ्रीडम भी मिले ठीक है तो मेरा एक ही ड्रीम था यार कि उनको मतलब घूमे फिरे वो ऐश करे लाइक समथिंग लाइक दैट खुद तो करूँ ही करूँ बट साथ में उनको भी बिखराऊँ तो यही मेरा एक ड्रीम था सो so, क्या हुआ उस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने फिर से शुरू करा ठीक है बीच में मैंने ब्रेक लिया बिकॉज़ मेरा दो तीन लाख रुपए का लॉस हो चुका था और सारे पैसे मैं वापस ही लेता था बिकॉज उस टाइम खुद तो कमा नहीं रहा था खुद के आप मान के चलो तीन लाख का लॉस हुआ एक लाख खुद के थे जो मैंने शूज़ वॉचिज़ वो बेच बेच के कमाए बट उसमें मुझे ना एक लॉन्ग टर्म वो नहीं दिख रही थी ठीक है तो फिर क्या हुआ देन आई स्टार्ट मेकिंग अ स्ट्रैटी अगेन और फिर मैंने क्या करा मैंने एक स्ट्रैटेजी को लगातार तीन महीने तक तो फॉलो करा लगातार बिकॉज मेरे माइंड में था कि यार एक ट्रेड से कुछ नहीं होगा अदरवाइज पहले क्या मैं करता था एक ट्रेड लिया दो ट्रेड लिया तीन ट्रेड लिया लॉस हो रहा है मैंने छोड़ दिया आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स उससे एक नई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करी बट देन वॉट आई डिड वॉज कि एक ही स्ट्रैटेजी आई आई फॉलो फॉर अ लॉन्ग टाइम तो मैंने उस एक स्ट्रैटेजी को लंबे समय के लिए फॉलो करा ठीक है सिंपल इंट्राडे की स्ट्रैटी इन विच आई हैव टू लाइक एंटर इन टू द ट्रेंड ठीक है फिर क्या हुआ कि उसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ बिकॉज अब मेरा लॉस नहीं हो रहा था ठीक है ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस हो रहा था बट मैं प्रॉफिटेबल जोन में नहीं था इसका फिर मुझे सोचा कि यार अब क्या प्रॉब्लम आ रही है देन आई थॉट कि यार स्टॉक सिलेक्शन गलत है बिकॉज क्या हो रहा था मैंने एक स्ट्रैटी बना ली मुझे पता है मुझे इसे फॉलो करना है बट मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स है मुझे ये नहीं पता था कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है मान लो पांच स्टॉक है तो मैंने एक में ट्रेड करा मेरा लॉस हो गया बट जो बाकी के दो तीन स्टॉक्स है उनमें प्रॉफिट हो रहा है मान लो मैंने ट्रेड लिया तीन ट्रेड में मेरा लॉस हो गया बट जो दो ट्रेड मैंने नहीं लिए उन, उनमें प्रॉफिट हो रहा है सो so, मेरे को एक ऐसा वे चाहिए जिससे मैं उन दो स्टॉक्स को फिगर आउट कर सकूं तो ये प्रॉब्लम रही और ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी की अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं यही नहीं फिगर आउट कर पा रहा था कि मैंने स्ट्रैटी बना ली मेरा रिस्क मैनेजमेंट ठीक है मेरा साइकोलॉजी भी ठीक है सब कुछ ठीक है बट प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन फिर मैंने नॉर्मल सब बोलते हैं वॉल्यूम को यूज़ करो फिर मैंने वॉल्यूम भी यूज़ करी बट स्टिल मेरी वो प्रॉब्लम वॉल्यूम को यूज़ करके सॉल्व नहीं हुई तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अलग मतलब अब कुछ अलग करना पड़ेगा बिकॉज अब बहुत टाइम हो गया मेरे को दो साल हो चुके हैं तीन लाख रुपए लूज भी कर चुका हूँ और करता जा रहा हूँ तो अब कुछ अलग करना है मुझे देन वॉट आई डिड वॉस कि मैंने थोड़े से ना अपने टूल्स बनाए मैंने खुद का एक यू कैन से टेलीग्राम का बॉट बनवाया कि मुझे पता चल जाए कि बैंक निफ्टी का डेटा क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है आई हेड अ फ्री लांसर फॉर दैट सो ये हुआ बट वो तो बैंक निफ्टी की बात होगी बट स्टॉक की बात करें तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था देन वॉट आई डिड वॉस मैंने दो तीन चीज़ों को मिक्स कर कर मोमेंटम का एक स्कैनर बनाया ऐसी रिवर्सल स्ट्रैटी के लिए रिवर्सल का एक स्कैनर्स वगैरह बनाए ठीक है मान लो मोमेंटम के स्कैनर में मैंने वॉल्यूम को जोड़ा आर के लेवल को जोड़ा बिकॉज आर एक मोमेंटम इंडिकेटर है उसके अलावा मैंने वॉल्यूम को भी जोड़ा और प्राइस को भी जोड़ा मैंने इन तीन चार चीज़ों को मिक्स करके आई मेड अ यू कैन से इंडिकेटर फॉर माई सेल्फ कि ये एक नंबर है जो मुझको एक नंबरिंग करके दे देगा मार्केट में कि अगर मुझे अपनी ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करनी है तो मेरे को गेवल स्टॉक में ट्रेड करना है मान लो मेरे पांच स्टॉक जो पहले आ रहे थे अब वो पांच पहले वो पांच रैंडम थे अब वो पांच एक लिस्ट में आ रहे हैं कि इफ आई हैव टू ट्रेड तो मेरे को पता है सबसे पहला मुझे इसमें ट्रेड करना है अगर मिल रहा है फिर मैंने इस चीज को बैक टेस्ट करा मैंने पिछले एक दो तीन चार छः महीने तक का देखा कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या कुछ एज मिल रहा है एन हेयर इट वॉस वही एक सॉल्यूशन था मुझे मेरी प्रॉब्लम का ठीक है सो so, फिर क्या हुआ फिर अब मेरे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई मेरे पास स्ट्रैटी है मेरे को एंट्री के लिए स्कैनर पता है मुझे कौन सा यूज़ करना है मेरे को रिस्क मैनेजमेंट पता है कितना मैनेज करना है मेरे को साइकोलॉजी पता है और उस पॉइंट से देर इज़ नो लुकिंग बैक तो आई एम डूइंग गुड टेन नाउ तो ये तो इन शॉर्ट थी एक ट्रेडर की जर्नी बट अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉम सिक्स थाउजेंड जो मैं कमा रहा था वेन आई वॉज डूइंग दैट इंस्टाग्राम वाली चीज़ टू तो टेन लाख रुपीज़ पर मंथ ये कैसे आया फिर क्या हुआ फिर लॉकडाउन आ गया फिर लॉकडाउन में क्या हुआ कि मैं खाली था ट्रेडिंग तो करता था बट वैसे खाली था साढ़े तीन के बाद प्लस पहले भी ट्रेडिंग करते हुए जैसे कभी कभी कोई काम आ गया वो सारे काम जीरो हो गए और मैं पर्सनली नौ बजे से लेकर ग्यारह बजे तक ट्रेड करता हूँ ग्यारह भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ नाइन टू टेन थर्टी मान के चलो तो मेरा डेढ़ घंटे का काम का था फिर पूरा दिन फ्री था तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा कॉन्टेंट वॉन्टेंट डालते हैं तो देन वॉट हैपन मेरे एक फ्रेंड ने बोला था फिर मैंने वो डाला एंड ऑनिस्टली आई वॉज डूइंग इट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ कि लोगों को समझ में आएगा देन वॉट हैपन कि मैं डालता था रोज़ डालता था शाम को खुद ही पोस्ट बना के डाल देता था देन वॉट हैपन सम वन मैसेज में कि हे आई आई वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग हाउ मच यू चार्ज सो आई वॉज लाइक कि सिखा दूंगा मतलब पैसे क्यों देने इस चीज़ के so, उसने कहा कि नहीं आई विल नॉट लर्न फॉर फ्री मेरे को आप चार्जेस बताओ देन आई वॉज लाइक कि ठीक है अगर फ्री में सीखना आप फाइव हंड्रेड रुपीज़ दे देना आई आई शेयर एवरीथिंग विद यू उसने कहा ठीक है उसने मुझे फाइव हंड्रेड रुपीज़ दिए मैंने उसके साथ पाँच छः छः दिन मीटिंग करी एंड डेट्स इट वो सीख गया आई डोंट नो ऑनेस्टली वॉट ईज़ डूइंग राइट नाउ बट ये मेरा जब इंस्टाग्राम शुरू करता इट्स बीन लाइक like थ्री ईयर्स तब की बात बता रहा हूँ फिर क्या हुआ फिर हल्के 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 मैं तो फ्री में डालता रहा बिकॉज मेरा सिखाने विकाने पर कभी कुछ फोकस रहा नहीं देन वॉट है बट मैंने देखा कि यार ये लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पर ऐसे दिखा रहे हैं कि मतलब ट्रेडिंग तो इतनी ईजी है कि इसको कोई भी कर सकता है ऑप्शन बाय करो कॉल बाय करो मतलब पाँच हजार रुपये से रोज के पाँच हज़ार कमाओ तो वो चीज़ मुझे नहीं झिली मेरे को लगा यार ये क्या है मतलब अब गाइड करो या तो ठीक करो या ना करो अब गाइड भी करो और गलत कर रहे हो दैट इज द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू देन आई देना हो नहीं यार अब तो एजुकेशनल कंटेंट डालना है और इतना डालना है कि बस समझ में आ जाए सबको कोई प्रॉफिट कमाए या ना कमाए बट एटलीस्ट उसको इतना समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग ईजी नहीं है ट्रेडिंग है तो ईजी मतलब ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि मतलब आप पाँच हजार से पाँच हजार रुपये रोज के कमा लो इतनी ईजी नहीं है हाँ आपके पास वन लाख रुपए का कैपिटल है आपने प्रॉपर सीखा है आप एक महीने पाँच से छः हज़ार कमा सकते हो एक महीने में बट आप रोज पाँच का दस दस का बीस बीस का तीस कर रहे हो यार वो पॉसिबल ही नहीं है कोई भी नहीं कर सकता ठीक है तो फिर मैंने रील्स वील्स बनानी चालू करी इंस्टाग्राम पर और अब मैंने यूट्यूब शुरू कराया सो so, इंस्टाग्राम पर भी बहुत लोग बोलते थे कि सर अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताओ ट्रेडिंग जर्नी बताओ क्या रहा कैसा रहा सो so, मैंने सोचा कि आज चलो एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं इस चीज़ पर और यूट्यूब पर आई एम स्टार्ट मेकिंग वीडियो सो आईव हाइड अ टीम ऑल्सो दैट टीम कम्स लाइव ऑन यूट्यूब ऑन मंडे वेन्सडे एंड थर्सडे एंड उसके अलावा ऑन एवरी संडे एक वीडियो मैं अपनी डालता हूँ जिसमें मैं आपको गाइड करता हूँ दैट हाउ यू कैन बिकम अ ट्रेडर उसके बाद क्या हुआ कि डालते रहे डालते रहे डालते रहे तो फिर बहुत सारे लोग में से जानने लग गए दैट वी वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग आई वॉन्ट टू लर्न ट्रेडिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स तो फिर क्या हुआ देन मैंने कहा कि चलो ठीक है लेट्स लेट्स लॉन्च अ स्मॉल कोर्स ठीक है सो so अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि पहला कोर्स क्या लॉन्च करा दूसरा क्या करा इन शॉर्ट मैंने कोर्स लॉन्च करा आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10-12 लोग आ जाएंगे बट 70 टू 80 पीपल शो अप एंड आई वॉज अ लोन आई वॉज लाइक की आर मतलब मैं डर गया था कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि यार वीडियो कैसे बनानी है ठीक है कि कोर्स में कैसे पढ़ाना है बिकॉज मेरे को ट्रेडिंग आती है बट क्या मैं एक अच्छा टीचर हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता था तो so इसलिए मैंने उन सबको बोला कि ठीक है आप सीखो किसी को भी लगे कि समझ में नहीं आ रहा देन आई विल रिफंड योर मनी बट अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास सिक्सटी सेवेंटी लोगों के एक एक हज़ार रुपये आ चुके हैं एंड नाउ आई हैव टू टीच देम ऑन मंडे एंड टूडे इज सैटरडे ऐसा हो गया था एंड आई हैव टू गिव देम द रिकॉर्डिंग बाय मंडे ठीक है सो मेरे को ताकि यार कैसे करूँगा बिकॉज फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू करी एंड इट वॉज नॉट ईजी बिलीव मी ये वीडियो बनाना इज़ नॉट ईजी बट बनाई फिर एडिट करना इज़ नॉट ईजी मैं लिटरली एक दिन में शायद दो दो घंटे सोया हूँ इस चीज़ के लिए बट फॉर्चुनेटली मेरी वीडियोज़ बन गया एंड डैट वॉज अ वेरी गुड कोर्स और सबको अच्छा लगा किसी एक बंदे ने भी रिफंड नहीं मांगा बट देन क्या हुआ फिर मैंने वही उसी को कंटिन्यू करा बट वाट हैपन कि मैं देख रहा था कि यार लोग कोर्स ले रहे हैं मैं पैसे कमा रहा हूँ बट एक्चुअली में दे आर नॉट अर्निंग दे आर नॉट अर्निंग ठीक है फिर मैंने इसके पीछे का रीज़न देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है अगर मैं उनको सब कुछ सिखा रहा हूँ तो वो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं और सबका रीज़न इज साइकोलॉजी क्योंकि हर बंदे को लगता है कि यार सीखते ही हम अमीर बन जाएंगे सीखते ही एक महीने में हम इतने कमा लेंगे दो महीने में हम इतने कमा लेंगे एक साल में तो हम करोड़पति बन जाएंगे बट ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में ना आपको पेशेंस चाहिए होगा पेशेंस के साथ आपको ट्रेड लेने हैं एंड डिसिप्लिन ही सब कुछ है जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते यू गांड मेक मनी इन ट्रेडिंग और डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही है उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि यार नहीं लोगों को प्रॉपर वो नहीं मिल रहा बिकॉज मैं सिर्फ ऑप्शन का सिखा रहा हूँ और बेसिक सिखा रहा हूँ फिर मैंने एक इंट्राडे का शुरू करा इंट्राडे सिखा रहा हूँ और मतलब इंट्राडे में मैं भी दिखाता था बट देन वॉट आई डिड आई स्टार्टेड प्रो मेंटरशिप इन प्रो मेंटरशिप वॉट इज़ कि मैं ट्वेंटी थर्टी लोगों को लेता हूँ एकदम जीरो से एकदम एडवांस ले, लेवल तक आई आई टीच देम टू बिकम प्रॉफिटेबल फिर मैंने देखा यार यहाँ पर लोगों को रिज़ल्ट आ रहे हैं उनके रिजल्ट मैं शेयर भी करता हूँ बट अभी पॉइंट ये नहीं है आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू समथिंग अभी पॉइंट ये नहीं है कि मैंने क्या करा अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ आई वेंट फ्रॉम सिक्स थाउजेंड टू दैट टेन लाख सो अगर मैं उस टेन लाख का ब्रेकअप करूँ सो अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव लाख रुपीज द मंथ आई मेक फ्रॉम माई ट्रेडिंग अप्रॉक्सीमेटली, समटाइम्स मोर समाइम लेस अप्रॉक्सीमेटली। और जो बचा हुआ फाइव लाख रुपीज़ है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली थ्री लाख रुपीज़ आई मेक फ्रॉम द कोर्सेज जो बेसिकली लोग आते हैं लाइक प्रो मेंटरशिप से अप्रॉक्सीमेटली आई मेक थ्री लाख रुपीज़ द मंथ फ्रॉम देट एंड जो रिमेनिंग टू लाख रुपीज़ है दैट आई मेक फ्राम ब्रांड इंडोर्समेंट्स उसमें क्या होता है जैसे आई मेक रील्स आई एम हैंग टू हंड्रेड के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम सो so, जो भी ब्रांड होते हैं जो फिनटेक ब्रांड्स होते हैं दे रीच आउट टू मी एंड दे से कि आप हमारे को थोड़ा सा प्रमोट करो इन योर वीडियो तो उसमें भी बेसिकली जिन ब्रांड्स को मैं पर्सनली यूज करता हूँ या फिर कोई ऐसा ब्रांड जो मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता है मैं सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करता हूँ एंड फॉर दैट आई चार्ज सम मनी सो फॉर दैट ऑल्सो आई गेट अप्रोक्सीमेटली टू लाख रुपीज़ अ मंथ अप्रोक्सीमेटली आई एम टेलिंग यू समटाइम्स मोर और लेस सब चीज़ों में चलता रहता है सो डूइंग ऑल दिस फ्रॉम दैट सिक्स थाउजेंड लेवल

so you can comment down on this video only if you are having any question if you are facing any problem on trading or becoming a creator anything so i'll def definitely reply you and uh, do share this channel with your friends and family and uh, i make videos on every sunday on this youtube channel to guide you to become a trader so do subscribe this channel also thank you for watching the video and uh, yeah thank you